और ब्रह्म सरोवर तट पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मद्देनजर तीर्थ पूजन और हवन यज्ञ हुआ, जिसमें गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी और विधायक थानेसर सुभाष सुधा ने ब्रह्म सरोवर के जल का आश्रय किया। हवन यज्ञ में शामिल होकर सफल आयोजन की कामना की गई। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि हजारों साल बाद भी गीता ज्ञान की प्रासंगिकता जस की तस है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव प्रदेश की एक ऐसी धरोहर है जिसके आयोजन को लेकर देश और दुनिया में पूरा साल उत्साह और प्रतीक्षा रहती है। उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रयासों की भी तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की पॉजिटिव सोच की बदौलत आज गीता जयंती महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रूप ले चुका है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का जो एक विधिवत प्रारंभ होता है अपने गीता सेमिनार के रूप में, सांस्कृतिक मुख्य कार्यक्रमों के रूप में, वो आज से हो रहा है। और प्रतिवर्ष की भांति जो प्रारंभ होता है वो संपूर्ण गीता जी के यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ होता है। संपूर्ण गीता जी का यज्ञ होता है और ब्रह्म सरोवर तीर्थराज का जो कुरुक्षेत्र का मुख्य तीर्थ केंद्र है, ब्रह्म सरोवर का पूजन होता है, श्रीमद् भगवद गीता जी का पूजन होता है और उसी के साथ है ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के गीता चिंतन मंथन और गीता प्रेरणाओं का शुभारंभ हो जाता है। यद्यपि 7 दिसंबर को ही सरस मेला के रूप में प्रारंभ हुआ था। आज अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। आज सुबह हवन यज्ञ के साथ आज इसका शुभारंभ हुआ है। आज 17 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक प्रमुख कार्यक्रम गीता जयंती महोत्सव के होने वाले हैं और ब्रह्म सरोवर के ऊपर आज हवन यज्ञ के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। असम के राज्य आज इस अब की अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में पार्टन स्टेट के नाते से है और ये पवित्र एक स्थल है। मैं सभी को गीता जयंती महोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।